नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। खबर मध्य प्रदेश भिंड से है। तहसील गोरमी के ग्राम गढ़ी हरीशा में शासकीय स्कूल प्राइमरी बच्चों के कक्ष में क्रमांक 01 में मिली अवैध शराब, पुलिस ने किया मामला पंजीबद्ध। जानकारी अनुसार चंबल संभाग में आए दिन बढ़ रही है अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ, ऐसे में एक मामला फिर आया सामने। गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत के द्वारा मुखबिर तंत्र की सूचना पर ग्राम गढ़ी हरीक्षा में बने शासकीय स्कूल पर छापा मार कार्यवाही कर कक्ष क्रमांक 01 से काफी मात्रा में अवैध शराब बनाने का पदार्थ ओपी केमिकल मिला है। पास में रखी कर्व के पूरे में करीब 03 PT के लगभग अवैध शराब बरामद कर 3 लोगों पर कार्यवाही की गई है। आरोपी गोविंद भदौरिया, रवि भदौरिया, करु भदौरिया, ग्राम गढ़ी हरीक्षा व अन्य मामले पंजीबद्ध किया गया है। शासकीय प्राइमरी स्कूल में खुली थी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री, जिसकी स्कूल प्रबंधन को भी नहीं हुई थी भनक। ऐसे में असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करना आम बात देखी गई है। यह आरोप स्वयं स्कूल के प्रधानाचार्य ने लगाया है। पहले भी की जा चुकी है FIR, लेकिन नहीं हुई है कार्यवाही। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। भूपेंद्र भदौरिया, कहाँ के रहने वाले? ग्राम हरीक्षा की गढ़ी, थाना गोरमी, जिला भिंड। क्या देखा आपने कल यहाँ स्कूल में? यहाँ पे फोर्स ने आके केमिकल जो दारू बनाने वाला उसको ओपी बोलते, वो 150 लीटर के समथिंग यहाँ पे पकड़ी गई है। और क्या पकड़ा गया? और बारदाना था, 1000 से ऊपर क्वार्टर खाली थे। तो क्या वो शराब स्कूल में पकड़ी गई कि बाहर पकड़ी गई है? बाहर करब में भी पकड़ी गई है, और बारदाना भी बाहर पकड़ा गया करब में क्षेत्र में। और यहाँ स्कूल में? स्कूल में तो केमिकल पकड़ा गया, रख दिया है कहीं, टीचर चले जाने के बाद कहीं रख दिया है। ताला वाला तोड़ के शिक्षकों वाला अपना ताला डाल दिया उसमें। आपने देखा था वो ताला? हाँ, पुलिस ने तोड़ा था ना ताला आकर के। अच्छा, ताला तोड़ के पुलिस ने निकाला? हाँ। है तो उसमें क्या निकला? उसमें केमिकल था दारू बनाने वाला ओपी। कितना होगा लगभग? 150 लीटर के समथिंग। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र भदौरिया, ग्राम हरीक्षा की गढ़ी, थाना गोरमी, डिस्ट्रिक्ट भिंड। क्या नाम है आपका? जी मेरा सत्येंद्र सिंह तोमर है। यहाँ स्कूल में क्या? मैं यहाँ पदस्थ हूँ और प्रभार है स्कूल का। स्कूल का प्रभार आप पर है जी। क्या हुआ था यहाँ? पता नहीं सर क्या हुआ यहाँ पे। मैं तो 26 जनवरी बना के अपन झंडा फहरा के और निकल गए थे अपन 1:30 बजे के लगभग, और उसके बाद क्या हुआ मेरे को कोई पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। आपको मालूम है आपके कमरे में शराब पकड़ी गई है? मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को कक्षा क्रम नंबर 1 है जी। तो वो शराब कहाँ से आई ये भी पता नहीं है, कहाँ से आई, क्या हुआ है मेरे को ये भी कुछ पता नहीं है। और इससे पहले एक साल पहले भी की बात है कि हमारे ये ताले भी तोड़ दिए थे हमारे ये स्कूल की, जो दुर्दशा है हमने बास्केशन वगैरह लगाए थे यहाँ पे, शौचालय वगैरह बालिका शौचालय बनवाई थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया देते वो लोग। मैंने FIR भी हमारे साथ। तो ये इसमें भी तो ताला पड़ा होगा आपको? ये मेरा ताला लगा हुआ था, मैं जब गया था ताला चेक करके गया था, ताला लगा हुआ था। आप गए उसके बाद ये कुछ हुआ? हाँ, मैं गया हूँ यहाँ से जो गणतंत्र दिवस मनाने के बाद, उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरे को कोई पता नहीं। आप सुबह आए तो आपको किस पोजीशन में वो कमरा मिला? मैं जो आज तो मेरा खुला हुआ मिला है ये, कल मैं आया था, कल तो लगा था ताला। हाँ, कोविड 19 चल रहा है उसके चक्कर में बच्चे आते तो नहीं है, इसलिए हम 1-2 दिन पहले मैंने देखा तो लगा हुआ था, मेरे को मतलब नहीं था क्योंकि उसमें कुछ रहता भी नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो बच्चे आ नहीं रहे हैं कोविड 19 के चक्कर में, इसलिए अपन ऑफिस में आते हैं जो काम करते हैं और बच्चों को घर घर जाके अपना घर हमारा विद्यालय के तहत तो उसमें घर में पढ़ाते हैं जाके। किन लोगों ने किया ये? अब ये भी मेरे को पता नहीं, अज्ञात लोग हैं, क्या है मेरे को ये भी पता। तो आपने कहा आपने 1 साल पहले FIR कराई थी? जी मैंने। उसमें कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? उसमें पुलिस ने आई तो नहीं थी, मैं गया था वहाँ पे FIR लॉज करवाई थी, वहाँ आवेदन दिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। ठीक, ताला शराब थी। मुखबिर ने और भी बताया कि यहाँ स्कूल के आसपास भी शराब हो सकती है, तो फिर हमने स्कूल के पास में रखी करब की भी तलाशी ली, उसमें करीबन 3000 खाली पाव का बारदाना हम लोगों को मिला, 3 पेटी शराब भी मिली थी जिसमें 115 क्वार्टर मिले हुए थे, और आरोपियों की भी धरपकड़ जारी है, मिलने पर सख्त कार्रवाई की। कोई मशीनें बरामद की हैं? कोई सील बरामद की है? पूरी शराब बनाने की पूरी सामग्री उसमें थी, उसमें लेबल थे, आज दिनांक को मशीन भी बरामद कर ली है, हम दोबारा से मुखबिर सूचना मिली थी और उसी स्थान पर फिर हमने दोबारा दबिश दी, तो झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे से छुपी हुई मशीन भी मिल गई हमको, तो वो भी हमने बरामद कर ली। धन्यवाद।